जब भी हम किसी सफल महिला का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उन सफल महिलाओं की तस्वीरें उभरने लगती हैं, जो या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ या कोई बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन हम क्यों सब्जी बेचने वाली किसी महिला, बुक स्टॉल को चलाने वाली महिला, घरेलू कामकार महिला और कैब ड्राइवर महिला या मजदूरी करने वाली किसी महिला को उस स्थान पर रखकर नहीं सोच पाते। लेकिन आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसी संघर्षशील महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से कई महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए इस महिला से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन है ये महिला, क्या करती है ये, क्या काम है इनका और ये किस तरह से अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करती हैं और इनकी सोच क्या है, चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजना तिवारी। अच्छा, ये जो आप स्टॉल लगाते हो बुक्स का, ये कब से लगा रहे हो यहाँ पे? देखो मैं यहाँ तो बरसों से हूँ, लेकिन पहले अंदर हुआ करती थी, ये 10 साल कंप्लीट हो गए, 11वां साल चल रहा है, मैं बाहर आ गई। पहले श्रीराम सेंटर के अंदर लगाया? हाँ हाँ, श्रीराम सेंटर के अंदर बुक स्टॉल था, वहाँ मैं थी। अच्छा, तो वही 11 साल, कम से कम 25-26 साल तो हो गया मुझे किताबों से प्रेम करते हुए। मेरे घर में एक बेटा एक बेटी और मेरे पति। अच्छा, हमने सुना है कि जो आपके बेटे हैं वो डॉक्टर हैं। हाँ। उन्होंने MBBS किया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज से और जो आपकी बेटी है वो PhD कर रही है। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा बताएंगी इस बारे में? देखो हमारी बेटी पहले तो इंस्पेक्टर थी। इंस्पेक्टर थी? थी हाँ। अच्छा। उसके बाद रिजाइन दे दी। हाँ, रिजाइन दे दी। और रिजाइन करने के बाद UPSC की तैयारी कर रही थी, राजस्थान PCS भी क्लियर कर चुकी है। अच्छा, PCS क्लियर किया हुआ उन्होंने भी? हाँ हाँ। अच्छा। लेकिन ज्वाइन नहीं करेगी शायद। ज्वाइन नहीं किया उन्होंने? हाँ हाँ, तो वो PhD कर रही है इंग्लिश से, तो लेक्चरशिप में जाना चाह रही है। और बेटा है, ऐसे तो मेरे बच्चे बहुत सारे हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे जो हूँ वो मेरा परिवार ही है, इससे बड़ा मेरा परिवार नहीं हो सकता है। और बेटा 14 में 12वीं पास किया था, उसके बाद कोचिंग दिलवाई, तो 15 में क्लियर करके MBBS में एडमिशन करवा देती, वो भी 36 जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से किया था। 2014 में उन्होंने एग्जाम दिया था? हाँ, 12वीं का एग्जाम दिया था, 12वीं पास किया था, उसके बाद 15 में MBBS क्लियर किया, 21 में एडमिशन हुआ, 21 में MBBS कंप्लीट हो गया, फिर आकर के MD के NEET PG का तैयारी किया, NEET PG निकाल लिया और रायपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में से वो PG कर रहा है। मतलब आज आपके बेटे, एक बेटे डॉक्टर है। हाँ। और वो एक बेटी है। हाँ, वो तो PhD कर रही है। अच्छा, तो आपको आंटी ये जो बुक्स है, कहते हैं कि बुक्स इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती है। हाँ। तो आपके बच्चों को ये बात कितनी समझ आती है? हमारे बच्चे मेरे हम सफर है और मेरे बच्चे कि मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी मम्मी किताबों का सेवा करती है और अपना आइडियल मानते हैं हमारे बच्चे, बहुत प्रभावित करते हैं हमारे बच्चों को। अच्छा, और सुना है कि आपकी जो दामाद है वो भी IAS है? हाँ, IPS है, IAS क्लियर करके IPS है। अच्छा, वो भी IPS है। तो मतलब सब आपके फैमिली में अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं काफ़ी, तो कोई ऐसा बोलता है कि मम्मी हम सब अब कमा रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं तो अब आपको ये सब काम करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, किताबों का स्टॉल जो है वो मत लगाइए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। मतलब चूँकि ये मेरा काम है, मैं काम नहीं, मैं किताबों से प्रेम करती हूँ। अच्छा। मेरा प्रेम किताब और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा मैं किसी से प्रेम की ही नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं जब तक जीवित हूँ तो ये संजना बुक स्टॉल चलेगा और मरने के बाद भी ये बुक शॉप रहेगा। अब मैं यहाँ रंगकर्मियों के बदौलत रहती हूँ, ये सारे रंगकर्मी हैं, तो ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब जैसे
जैसे कि अभी आपके एक बेटे डॉक्टर हैं, एक पीएचडी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं अब हम लोग मतलब सेटल है अपनी अपनी लाइफ में, तो ऐसा हमारी मम्मी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत से बच्चों को कि अरे ये क्यों कर रही है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। नहीं 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 ऐसे हमारे बच्चे नहीं माना करते, ऐसे नहीं नहीं नहीं। तो जैसे कि आज आपके बेटे डॉक्टर हैं, आपकी बेटी जो है वो पीएचडी कर रही है, और आपका जो कारोबार है इस बदौलत वो सब इतना कुछ मतलब कहते हैं कि किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो भी नहीं सकता है। तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं पहले भी बताई कि मैं मेरा ये किताब ही जीवन है। नहीं, बच्चों के प्रति आपको कैसा महसूस होता है? बच्चों के प्रति, बच्चे तो मेरा वो रास्ता है कि हर समय एहसास करती रहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और मेरे ये दो ही बच्चे नहीं हैं, मेरे रंगकर्मी बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप को ये इस जगह पे रह कर के बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, अब बच्चे को देख करके बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब पहले हुआ करता था कि मैं पानी में लकीर की तरह काम करती थी, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन अब वो आत्मबल के साथ मैं काम करती हूँ कि मेरे पास आत्मबल है, सपोर्ट है। मैं आज भी चलती हूँ तो कहती हूँ नहीं नहीं हमारा आत्मबल है ना, जिनके लिए मैं सारी दुनिया छोड़ी, जो हमारे दुनिया है ये मनोबल है हमारा, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो आपके पति हैं मतलब सर जो है वो क्या करते हैं? वो दैनिक जागरण में एडिटर थे। अच्छा। और रिटायर कर गए हैं, उनकी भी 10-12 किताबें आ चुकी है, वो भी साहित्यकार है। अच्छा, वो साहित्यकार भी है। हाँ, पत्रकार के साथ साथ साहित्यकार भी है। हाँ हाँ। अच्छा आंटी, कहते हैं कि जो किताबों और इस सब के बीच रहता है उसको कहीं ना कहीं लिखना और पढ़ना बहुत पसंद होता है। बिल्कुल। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं बहुत पढ़ना चाहती थी, आज भी मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा 2020 में ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। आपने मास्टर्स कंप्लीट? हाँ। आपने किस चीज़ में मास्टर्स? हिंदी में ही की हूँ। मुझे पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है, मैं आज भी चाहती हूँ कि मौका मिले तो मैं बैठ के पढ़ूँ और खूब लिखूँ, तो मैं कविताएँ लिखती भी हूँ। अच्छा, आप भी लिखती हैं? हाँ, कविताएँ लिखती भी हूँ। तो आपके बच्चे तो मतलब बहुत गर्व महसूस करते होंगे इस चीज़ पर कि एक तो काम कर रही हैं, आज भी इस एज में भी आप अपना खुद से कर रही हैं सारा काम, जो आपको पसंद है वो कर रही हैं। बिल्कुल। ऊपर से आप लिखती भी हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है ये चीज़ कि मतलब इस एज में भी इंसान जो चाहे वो कर सकता है। काफ़ी लोग होते बोलते हैं कि नहीं नहीं अगर हम एक स्टॉल चला रहे हैं बुक स्टॉल, तो काफ़ी लोग तो ये सोच कर ही पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। ऐसा है ना कि इंसान कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो अपने कर्म अपने वसूलों के लेकर के चलता है तो कुछ भी कर सकता है। क्या करना क्या नहीं करना है, काम तो प्रधान है, हमें करना पड़ेगा, कोई बाधक नहीं होता है। समय जो समय गुजर जाए वो काल से भी लड़ सकता है। आप काफ़ी जगह आपके चर्चा होती है कि ऐसे वैसे, और काफ़ी वायरल भी हैं आप आजकल सोशल मीडिया पे, तो आपके बच्चे देखकर उनका क्या रिएक्शन है? अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अच्छा लगता है। फिर भी कुछ बोलते होंगे कि आपकी वजह से या आज हम यहाँ तक हैं, तो सबका क्रेडिट जो है वो इस बुक स्टॉल को ही एक तरह से? हाँ हाँ, इस बुक स्टॉल के जाता है। तो अभी ये जो बुक स्टॉल है वो आप अकेले चलाती हैं? मैं अकेले चलाती हूँ, ये रंगकर्मी बच्चे मेरे मदद कर देते, मैं अकेले चलाती हूँ। टाइमिंग क्या है आपकी इस बुक स्टॉल की? 11 बजे से आ जाती है, 9 बजे तक रहती हूँ। 9 बजे तक? हाँ हाँ, 9:30, 10 भी बज जाता है, कभी कभी 11:15 भी निकलती हूँ। अच्छा अच्छा। लोकेशन क्या है? मंडी हाउस, श्रीराम सेंटर। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।